हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटीपी साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन में दिया गया है, जल की अपेक्षा वायु में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। कारण दिया गया है, माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। R जो है सही है और A जो है सही नहीं है। होता क्या है कि जो वायु ध्वनि होती है वह एक तरह की यांत्रिक तरंग है, ठीक है, जिसे कि गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो जो ठोस में जो ध्वनियाँ गति करती हैं, ठोस में जो ध्वनि गति करती है वह अधिक होती है, सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और जो द्रव में गति करती है वह ठोस से थोड़ी सी कम होती है, और जो गैस माध्यम से वो करती गमन करती है तो वह सबसे कम होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ध्वनि का आयाम जितना बड़ा होगा उतनी ही ध्वनि तीव्र होगी, अधिक होगी, और आयाम ध्वनि का आयाम जितना ही ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ध्वनि मतलब कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है वृहदान्त्र का, क्षुधान्त का, मुख का या फिर आमाशय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षुधान्त्र का, ठीक है। क्षुधान्त्र में क्या होता है, वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। क्षुधान्त्र छोटी आंत को कहा जाता है, और जो मांड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गया, इन सभी का जो पाचन होता है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और जो प्रोटीन का पाचन होता है वह आमाशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, कैटरपिलर इल्ली रेशम कीट जिस पदार्थ से बने रेशे का स्त्रावण करते हैं वह है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर सेल्यूलोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन है। यह प्रोटीन जब सूख जाती है तो यही जो है रेशम के धागे के रूप में निकाला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐठन आ जाती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन देखते हैं, वायवीय शोषण होता है और अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय शोषण होता है और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, पेशियाँ जो होती हैं, ये पेशियाँ जो होती हैं, पेशियों में जो ऐठन आने लगती है तो पेशियाँ जो होती हैं वह अवायवीय श्वसन करने लगती हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारा, हाँ इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्रदान उत्पन्न होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं जैसे कि व्यायाम करना, दौड़ना या फिर किसी तरह का भारी वजन उठाना, तो इन सभी बड़े बड़े कार्यों में ना ऊर्जा जो है अत्यधिक मात्रा में लगती है। तो इसी तरह की ऊर्जा को और अधिक उत्पन्न करने के लिए, मतलब ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए जो है पेशियाँ जो होती हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन करने लगती हैं,
और अवायवी श्वसन के द्वारा ही यह क्या निर्माण करती हैं, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, जिसके कारण पेशियों में जो है ऐठन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं और इनमें वाल्व नहीं होते हैं, इनमें रुधिर जो है उच्च दाब पर बहता है, ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है, तो इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का कुल दूरी और कुल समय का जो है सूत्र लगा करके क्या करना है, सॉल्व कर लेना, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटे। आप लोग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। आगे दिया गया है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जगत जीव जंतुओं का उल्लेख करती है, या फिर यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, या फिर यह किसी दिए गए क्षेत्रों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती है, या फिर यह वनों में सबसे अधिक पाई जाती है या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ठीक है, दिया गया है, कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उनके कार्यों से संबंधित होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसे होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये,
ऑप्शन नंबर टू जो है राइट हो जाएगा, बी और डी। तो देख लेते हैं बी में क्या दिया गया है। पादप कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली नहीं होती, जबकि राइट क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और डी नंबर में दिया गया है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसे होती है। तो न्यूरॉन्स की जो आकृति होती है तकली के जैसे तो होती है, लेकिन और भी इसकी कई आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जो है राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।